हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में गिवन परसेंटेज को। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना होता है, सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और उसके बाद पुट करना होता है फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमने लिया है एक्सरसाइज 10A से, परसेंटेज चैप्टर 10। परसेंटेज चैप्टर का नाम हो गया, क्लास 7 की बुक है RS अग्रवाल की। फ्रेंड्स इसके पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने इसके पहले वीडियोस में अपलोड किया है सॉल्व करके, आप चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। यहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है 45%, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है। 45% इसको हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज किया। इसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से और परसेंटेज साइन रिमूव कर देते हैं। देन डेसिमल हमें पुट करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 0 हैं और उसके बाद 1 है, तो 2 डिजिट और उसके बाद हमने ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमने पुट कर दिया है राइट साइड से, मीन्स 0.45। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, 125%। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन। फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको फ्रेंड्स हम पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करेंगे, या तो फ्रेंड्स हम सीधे डेसिमल पॉइंट भी पुट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 1 2 2 0 के बाद जो है 1 है, मीन्स राइट साइड से यहाँ पे 1 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल पॉइंट को पुट कर सकते हैं, मीन्स 5 2 डेसिमल पॉइंट एंड 1 1.25। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर 1.25। इस तरह से आप सभी ने देखा इजीली हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज से पहले हमें फ्रैक्शन में बनाना है। फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 और परसेंट साइन रिमूव करते हैं और उसके बाद डेसिमल को पुट कर देते हैं राइट प्लेस पर। 3.6% अब डेसिमल भी है और परसेंटेज भी है, तो इसको देखिए फ्रेंड्स कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3.6% इसको हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, डेसिमल पहले हमने रिमूव कर दिया, आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3.6% साइन हमने हटा दिया है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 3.6 एज इट इज़ लिख दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 2 0 के बाद जो है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे राइट साइड से। तो ये तो डेसिमल के राइट साइड में ही है, हमें इधर से काउंट करना है 1 2, तो 3 एक ही डिजिट हो रहा है तो 1 हम 0 ले लेंगे यहाँ पे, 0 और 3, ये 2 0 के 2 डिजिट हो गए। उसके बाद 6 ऑलरेडी है, देन डेसिमल पॉइंट पुट होगा यहाँ पे, इसके आगे हम लिख सकते हैं 0, तो ये हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स आंसर 0.036। इस तरह से हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। इसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, 0.23%, इसको फ्रेंड्स हमने सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 100 एंड परसेंटेज साइन हमने रिमूव कर दिया है, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट राइट साइड से हैं, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा और 2 0 यहाँ पे और हैं, तो मीन्स हमें 2 यहाँ पे जो डिजिट हैं वो और ऐड करनी होगी डेसिमल से राइट साइड में। तो 2 और 3, ये 2 डिजिट ऑलरेडी हो गए, 2 डिजिट और ऐड करनी है, तो क्या कर देंगे, 0 एंड 0, इसके बाद पुट कर देंगे ये डेसिमल पॉइंट और इसके बाद 1 0 यहाँ पर और पुट कर देंगे, मीन्स 0.0023, सॉरी यहाँ पर 3 है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। इस तरीके से फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जहाँ पे हमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जिसके लिए क्या करना होता है, डिवाइड बाय 100 और रिमूव परसेंटेज साइन, उसके बाद डेसिमल पॉइंट को पुट करना होता है एट द राइट प्लेस। ओके फ्रेंड्स,
इसके बाद फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे फ्रेंड्स हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स को परसेंटेज में, जो कि इसका जस्ट ऑपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा गिवन डेसिमल को 100 से और पुट करना है परसेंटेज साइन। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, 0.6 क्या करना है, गिवन डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है 100 से, 0.6 इंटू 100 एंड पुट परसेंटेज साइन, पुट कर देना है परसेंट साइन को। अब 0.6 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो से एक एक प्लेस डेसिमल पॉइंट राइट साइड में आया, एक जीरो और बचा, तो एक जीरो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे पुट कर देंगे राइट साइड में, 6 और ज़ीरो 60 बन गया, 60%। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। 0.6 में 100 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है 0.42। इसका क्या प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, इनटू करना होता है हमें 100 से और परसेंटेज साइन पुट करना होता है यहाँ पे, डेसिमल के बाद दो डिजिट है और यहाँ पे भी 1 के बाद दो डिजिट है, मींस राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में जाएगा कितना, दो जीरो है तो दो डिजिट, मींस यहाँ और यहाँ 2 के बाद आ जाएगा 4 2, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाने का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है क्योंकि कोई और डिजिट तो है नहीं, तो मींस 42 आ गया और परसेंटेज साइन पुट कर दिया 42%। 0.42 इज इक्वल टू 42%। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है 0.07, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और पुट करते हैं परसेंटेज साइन। यहाँ पे दो जीरो हैं तो डेसिमल पॉइंट दो डिजिट राइट साइड आएगा, मीन्स जीरो भी अंदर हो जाएगा, 7 भी अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7%। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सिर्फ मल्टीप्लाई करना और डेसिमल को राइट प्लेस पे पुट करना। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन इसका, इसका सॉल्यूशन 0.005, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.005 इंटू 100 और परसेंटेज साइन पुट कर देंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 3 डिजिट हैं और यहाँ पे 2 ही ज़ीरो हैं, तो डेसिमल पॉइंट दो डिजिट राइट में आएगा, मीन्स ये ज़ीरो अंदर हो जाएगा, ये ज़ीरो अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.5 मतलब 5 के आगे डेसिमल पॉइंट हो गया, इसके बाद 3 ज़ीरो हैं, लेकिन हम एक ही ज़ीरो लिख देंगे सेम रहेगा, 3 ज़ीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 0.5%। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना था परसेंटेज को डेसिमल में, क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में इसका जस्ट ऑपोजिट डेसिमल को परसेंटेज में। एक्सरसाइज 10A से फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं, क्लास 7 की RS अग्रवाल की बुक है, चैप्टर का नाम है परसेंटेज, चैप्टर 10। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।